गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कालबोध, मतलब समय का ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से टीचर और शिष्य जो है वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप में मतलब जो कभी टीचर प्रश्न पूछता है, कभी बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार का कर रहे हैं। दोनों किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? समय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शिष्य महोदय, रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति, मतलब शिष्य ने उसके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि दिन और रात का विभाजन कैसे होता है। अपन देखते हैं बेटा, अपन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 डेज। कितने? 24 डेज, मतलब 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रातें होती है। तो बोल रहा है कि शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि महोदय, मतलब रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। तो गुरु बोल रहे हैं, गुरु पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल दिखाई देती है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। अहर्निशम का मतलब क्या होता है? दिन रात। ऐसा का मतलब क्या होता है? यह यह दिन रात अपने केंद्र पर परिभ्रमति का मतलब क्या होता है? घूमना। यह दिन रात अपने केंद्र पर घूमती रहती है। यदा अस्या यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब इसका यह भाग, मतलब जो भाग सूर्य के सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। यदा अस्य यह भाग सूर्य से सम्मुख भवति, तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायन्ते। मतलब इसके जिस भाग इसका जब इसका जौन सा भाग सूर्य के सामने होता है, वहाँ सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती है, तब क्या होता है? दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति, जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं गिरती है, तत्र अंधकार भवति, तब अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, तब ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर रात हो रही है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य जो है सुबह पूर्व दिशा में उदय होता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्त गच्छति, और शाम को क्या होता है? पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एव सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति, मतलब इस प्रकार सूर्य के उदय होने से दिन होता है और उसके अस्त होने से क्या होता है? रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानिशानुसारेण जनाः विविधा क्रियाः संपादयन्ति, दिन के अनुसार लोग हन क्या करते हैं? अपने विभिन्न प्रकार की जो क्रिया जो है उसको संपादित करते हैं। रात्रि में सिर्फ हम केवल एक ही काम करते हैं, वो क्या करते हैं? आराम करने का काम। लेकिन दिन में क्या होता है? हमारे पास अलग दैनिक दिनचर्या, मतलब अपन देखते हैं अलग अलग प्रकार के बच्चे को करना पड़ते हैं, काम करना पड़ते हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से। शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, शिष्य पूछ रहे हैं कि गुरुजी सप्ताह में कितने दिन होते हैं। बेटा डू यू नो हाउ मैनी डेज इन ए वीक, क्या आप जानते हैं कि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, गुरु जी कह रहे हैं कि सप्ताह में बेटा 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि, उनके नाम है। तेषां नामानि तु रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति। गुरुजी बता रहे हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर शिष्य ने पूछा है कि शिष्य वर्षे कति मासाः भवन्ति, शिष्य पूछ रहा है कि गुरुजी बताइए कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु वर्षे द्वादश मासाः भवन्ति, गुरुजी बता रहे हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ शिष पौष माघ फाल्गुन चेति। बेटा ये जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ क्या है? ये बेटा हमारे हिंदी महीनों के नाम है। इनके नाम बेटा हिंदी महीनों के नाम हैं और इंग्लिश महीनों के नाम। बेटा बच्चों को हिंदी महीनों के नाम आए या ना आए, पर इंग्लिश महीनों के नाम जो है बेटा बहुत अच्छे से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ बताएं, तो बच्चों को यहाँ बताने में प्रॉब्लम्स आती है। कारण कहता है कि बेटा अपन हिंदी से जो है बहुत पीछे भाग रहे हैं और इंग्लिश को जो है हमने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बोला तेषां नामानि चु, उनके नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भादो कुवार
कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फाल्गुन, ये बेटा हमारे हिंदी महीनों के नाम हैं। और फिर बोला शिष्य तिथयः कति भवन्ति, शिष्य ने पूछा कि भैया तिथियां कितनी होती है, क्या आप जानते हैं बेटा तिथियां कितनी होती है, कितने को पता है, प्लीज स्टैंड योर हैंड जिनको पता है कि तिथियां कितनी होती है। चलिए, गुरु हो प्रतिपक्ष तिथयः पंचदशः भवन्ति, मतलब क्या होता है प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। कितने पक्ष होते हैं बेटा, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। वह जो अभी आपको मैं आगे समझा रहा हूँ, गुरु बोल रहा है कि प्रतिपक्ष तिथयः पंचदशः भवन्ति, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती है, यथा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्याम च। मतलब प्रतिपदा का मतलब होता है एकम, मतलब एक, द्वितीय का मतलब होता है दो, तृतीय का मतलब होता है तीन, चतुर्थी का मतलब चार, पंचमी का मतलब होता है पाँच, षष्ठी का मतलब होता है छः, सप्तमी का मतलब होता है सात, अष्टमी का आठ, नवमी नौ, दसवीं दस और एकादशी। कभी कभी अपन देखते ना बेटा कि मम्मी बोलती है आज मेरा एकादशी का व्रत है, एकादशी का मतलब होता है ग्यारस, किसके लिए की जाती है भगवान विष्णु के लिए, किसके लिए की जाती है बेटा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए। तो मम्मी को बहुत सी बार देखा होगा कि भैया एकादशी का व्रत है, समझ में है ना, एकादशी का मतलब होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन ग्यारस, द्वादशी बारस, त्रयोदशी मतलब तेरस, चतुर्दशी का मतलब होता है चौदस, आज जैसे अपन देख रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी, समझ में आ रहा ना, अनंत चौदस, ठीक है। फिर पूर्णिमा अमावस्यायाम च, मतलब पूर्णिमा चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है और चतुर्दशी के बाद अमावस्या भी होती है, ठीक है। फिर मासे दो पक्षो भवत, महीने में दो पक्ष होते हैं, जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बता दिया भैया कितने पक्ष होते हैं, तो प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में अपन देखते हैं आकाश में हमको चंद्रमा दिखाई देता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो आकाश में हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे से अमावस्यायाम भवति, शुक्ल पक्ष में क्या होता है बेटा पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में क्या होता है अमावस्या होती है। शुक्ल क्या बेटा आपको पता है कि सबसे बड़ी अमावस कब होती है बेटा, सबसे बड़ी अमावस अपन देखते हैं दीपावली के दिन कार्तिक मास में, समझ में है ना, अमावस्या होती है और उस दिन अपन देखते हैं जब पूर्ण अंधकार रहता है तो लोगों क्या करते हैं दीपक जलाते हैं। तो शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे से अमावस्या बहुत है, शुक्ल पक्ष में क्या होता है पूर्णिमा होती है, मतलब सूर्य चंद्रमा जो हमको आकाश में दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है अमावस्या होती है, तब हमको चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते, जब शुक्ल पक्ष जैसी अमावस्या समाप्त होती है उसके अगले दिन से अपन देखते हैं भैया शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, तो हमको देखते हैं चंद्र क्रमशः वर्धते, चंद्रमा जो है धीरे धीरे अपना रूप जो है वो बड़ा करने लगता है। पूर्णिमाम च सह पूर्णताम प्राप्नोति, और जैसे ही पूर्णिमा आती है पूरा चंद्रमा जो है हमको आकाश के अंदर दिखाई देता है। सह पंचदशभिः कलाभिः पूर्णः भवति, और अपन देखते हैं जब मैंने बताया था कि कितनी तिथियां होती हैं, तो बेटा 15 तिथियां होती हैं, तो अपन देखते हैं जैसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त होता है पूर्णिमा, उसी के अगले दिन से क्या है वो पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है, और अपन देखते हैं चंद्रमा धीरे 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 अपना रूप बड़ा करने लगता है, और अमावस्या को क्या होता है ये पूर्ण रूप से हमको आकाश में दिखाई देता है, और क्या होता है कितनी कला दिखाता है बेटा ये 15 प्रकार की जो कला है वो दिखाता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः शयम प्राप्नोति, वो जैसे ही पूर्णिमा समाप्त होती है, आज पुन्नम है वो जैसे ही कल से जब एकम चालू होगी तो फिर क्या होगा कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, और कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा तो अपन देखते हैं कि जो चंद्रमा है धीरे 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 क्या होता है घटना प्रारंभ करता है। प्रतिदिनम तस्य एकाम कला शेते, प्रत्येक दिन क्या होता है उसकी एक कला का क्षय होता है, मतलब एक उसी एक कला जो है खत्म हो जाती है। अमावस्या सह पूर्ण रूपेण लुप्त भवति, और अमावस्या के दिन क्या होता है वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है।
शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कितनी ऋतुएं होती हैं। बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा कितनी ऋतुएं होती हैं। ऋतु को क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीजन, बोलते हैं ना बेटा। तो बेटा कितनी ऋतुएं होती हैं, तो बोल रहा है गुरु चैत्र वैशाख का। बेटा कितनी ऋतु होती है, छह प्रकार की ऋतु होती है। कितनी ऋतु होती है, छह प्रकार की होती है हिंदी महीने के अकॉर्डिंग। गुरु चैत्र वैशाख का यो वसंत, चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है बेटा, वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ हो ग्रीष्म, ज्येष्ठ और आषाढ़ में कौन सी ऋतु होती है बेटा, ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब हम गर्मी का अनुभव करते हैं। श्रावण भाद पर्व, श्रावण भाद पदयो हो वर्षा, श्रावण और भादो के महीने में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा होती है। अश्विन कार्तिका यो, अश्विन और कार्तिक में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। मार्ग शीर्ष पोष हो, माघ और पोष में कौन सी ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है। और माघ फाल्गुन यो शिशिर, और माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है। इस प्रकार जो है ये छह ऋतुएं होती है। अभी तक अपन ने देखा था कि शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन बेटा अपन देखे वसंत ऋतु भी होती है, शरद ऋतु भी होती है और हेमंत ऋतु। इस प्रकार ऋतुओं से यदि कोई आपसे पूछे कितने प्रकार की ऋतु होती है, तो आप उससे बताइए भैया हिंदी महीने के अकॉर्डिंग छह प्रकार की ऋतुएं होती है। शिष्य एकादश विशंति पर्यंत संख्या गिणीय, वो बोल रहा है शिष्य, गुरुजी ने बोला उससे शिष्य से कि भैया 11 से लेकर 20 तक की संख्या जो है वो गिनो। तो शिष्य बोल रहा है आम, शिष्य बोल रहा है कि हाँ मुझे आती है, आम का मतलब होता है हाँ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोड़श सप्तदश अष्टादश नवदश विशंति, मतलब अपन देखें यदि गिनती 11 से लेकर 10, 11 से 11, 12, त्रयोदश का मतलब 13, चतुर्दश 14, पंचदश का मतलब 15, षोड़श का मतलब 16, सप्तदश का मतलब 17, अष्टदश मतलब 18, नवदश का मतलब 19 और विशंति का मतलब होता है 20। गुरु साधु वत्स संयुक्तम, गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चे तुमने जो है वो सही बोला। बेटा आपको ये जो समय का बोध है, काल बोध जो है, लेसन आपको हिंदी में समझाने का प्रयास किया था, हो सकता है शायद आपको समझ में आ जाए। अब हम बेटा इसके प्रश्नोत्तर आपको मैं समझाता हूँ। बेटा अब हमारे पास है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद का मतलब होता है वन वर्ड, केवल एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं बेटा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसमें लिखेंगे आंसर में बेटा अपन सप्त दिनानी। सप्ताह सप्त दिनानी भवन्ति, सप्ताह में सात दिन होते हैं। कति तिथयः भवन्ति, कितनी तिथियां होती है, अपन ने पता था एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी है ना, तो सप्ताह मतलब कितनी तिथियां होती है, पंचदश। पंचदश का मतलब क्या होता है, 15 तिथियां होती है। कितनी तिथियां होती है, 15 तिथियां होती है। सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है, सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, तो इसमें लिखेंगे पूर्वस्याम। आंसर में क्या आएगा, पूर्वस्याम, सूर्य पूर्व दिशा में जो है वो उदय होता है। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो वर्षे कति मासाः भवन्ति, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, मैंने आपको बताया था चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद कुवार कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, तो इसमें लिखेंगे द्वादश मासा। वर्षे कति मासाः भवन्ति, तो वर्षे द्वादश मासाः भवन्ति, वर्ष मतलब वर्ष में 12 महीने होते हैं। चैत्र वैशाखयोः कः ऋतुः भवति, चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, बताइए बेटा कौन सी ऋतु होती है, चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, बताइए, बताओ बेटा चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, बेटा वसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है। और वसंत ऋतु के आगमन की सूचना अपन देखते हैं, हमारी जो फसल जो है वो पकने लगती है,
मतलब आम के पेड़ पर जो है मोर आ जाते हैं, कोयल जो है अपने को कोयल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि जो है ये वसंत ऋतु के आगमन की सूचना है। बड़ा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहले एक पदेन वन वर्ड में लिखना था, अब एक वाक्येन एक वाक्य में लिखना है, लेकिन एक वाक्य में शब्द तो इसमें भी एक ही वन वर्ड ही लिखना है, लेकिन हमको क्वेश्चन मार्क हटाना है। उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको प्रश्न, जो क्वेश्चन मार्क हटाना है, प्रश्न लिखना है और पूरा प्रश्न विषय का वैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखा है, माघ फाल्गुनयो हो कह ऋतु हो भवती। माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है? तो बेटा इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? सबसे पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह ढूंढेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। तो बेटा इसमें माघ फाल्गुन कह ऋतु हो भवती, तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है? तो हमारा आंसर आएगा माघ फाल्गुनयो हो शिशिर ऋतव भवती। आंसर में हमको पूरा मैं इसलिए आपके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। माघ फाल्गुनयो शिशिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में कह में विसर्ग लगा है, इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, शिशिर में भी विसर्ग लगाएंगे। माघ फाल्गुनयो शिशिर ऋतु भवती, मतलब माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है। चंद्र कदा पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त होता है? तो मैंने बताया था बड़ा दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है और शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जो है हमको पूरा दिखाई देता है। तो चंद्र कदा पूर्णतम प्राप्नोति, तो चंद्र क्वेश्चन मार्क क्या बेटा इसमें, क्वेश्चन मार्क क्या है? कदा, तो चंद्र पूर्णिमायाम पूर्णता प्राप्नोति। समझ में आ रहा है बेटा? चंद्रमा जो है पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो है पूर्णता को प्राप्त होता है। अमावस्यायाम कस्मिन पक्षे भवति, अमावस्या किस पक्ष में होती है? तो मैं आपको दो पक्ष बताते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब भी होता है काला। जिस दिन अमावस्या होती है क्या आपको आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो क्वेश्चन मार्क क्या है इसमें? कस्मिन पक्षे, तो आंसर में लिखेंगे अपन अमावस्या कृष्ण पक्षे भवती। किस पक्ष में होता है अमावस्या? तो कृष्ण पक्ष में जो है वो अमावस्या होती है। कौ द्वो पक्षो भवत, कौन से दो पक्ष होते हैं? जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था कि दो पक्षों भवत, कौ द्वो कौन से दो, तो इसमें लिखेंगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष द्वो पक्षों भवतः, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो जो है दो पक्ष होते हैं। बेटा अब समुचित युग्य निर्माणम कुरुत। अगला जो प्रश्न है समुचित, समुचित का मतलब है सही जोड़ी बनाना है हमको। यहाँ पर महीने देखे, श्रावण मास है, मार्गशीर्ष मास है, चैत्र मास है, आषाढ़ मास है, फाल्गुन मास है और कार्तिक मास है। तो श्रावण मास है, सावन के महीने में क्या होता है? ग्रीष्म शरद शिशिर वर्षा वसंत या हेमंत। तो इसमें क्या आएगा बेटा? सावन के महीने में क्या होता है? पानी गिरता है, इसलिए इस पे हम क्या करेंगे, एक नंबर डाल देंगे। फिर मार्ग शीर्ष मासे, मतलब माघ महीने में कौन सी ऋतु आती है? हेमंत ऋतु आती है। चैत्र के महीने में कौन सी ऋतु आती है बेटा? इसमें आती है वसंत ऋतु आती है। फिर आषाढ़ के महीने में क्या होता है? गर्मी आती है। फिर इसके बाद में फागुन के महीने में क्या होता है? शरद ऋतु आती है। तो देख रहे बेटा, सावन के महीने में क्या आता है? वर्षा ऋतु होती है। मार्गशीर्ष में मैंने बताया था बेटा हेमंत ऋतु आती है। चैत्र के महीने में कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु आती है। आषाढ़ किस महीने में? ग्रीष्म ऋतु में आती है। फाल्गुन में कौन सा महीना आता है बेटा? इसमें शिशिर ऋतु आती है। और कार्तिक महीने में शरद ऋतु आती है। अपन बेटा
रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे या दो ऑप्शन से, इन दो ऑप्शन से में से देखें, शुक्ल पक्षे तिथि भवंती, मतलब शुक्ल पक्ष में तिथि होती है अमावस्या या फिर पूर्णिमा। मैंने पता था दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में होता है चंद्रमा हमको दिखाई देता है और कृष्ण पक्ष में हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो जब चंद्रमा हमको दिखाई देगा तो कौन सी तिथि होती है बेटा? पूर्णिमा। ठीक है, शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तिथि भवंती। फिर ज्येष्ठ मासांतरम मास भवती, मतलब ज्येष्ठ के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आता है कि श्रावण आता है? बेटा इसमें आएगा आषाढ़ का महीना आता है। सप्ताह दिनानी भवंती, सप्ताह में दिन होते हैं, नौ दिन होते हैं या सात दिन होते हैं? सप्ताह में सात दिन होते हैं। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है क्रमशः बढ़ता है। शीयते का मतलब होता है घटना और वर्धते का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है तो चंद्रमा घटेगा या बढ़ेगा? तो इसमें बढ़ेगा। पक्षे तिथयः भवन्ति, पक्ष में तिथि होती है, 16 तिथि होती है या 15 तिथि होती है? बट इसमें आएगा पंचदश। तो बड़े इस प्रकार मैंने आपको एक एक पदेन एक वाक्य के आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, सही जोड़ी बता दी है, रिक्त स्थान बता दिए हैं। अपना क्वेश्चन आंसर जो है आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।